हेलो फ्रेंड्स, की ऑफ एजुकेशन जोन की ओर से आपको एक बार फिर से स्वागत। इस बार हम कोई पढ़ाई ये सब नहीं कर रहे हैं, आज कुछ ऐसे बातें करते हैं जब ऐसे कभी कभी आते हैं मौके जब हमारे दिल पूरा टूट जाते हैं, दिमाग काम नहीं करते हैं, उस टाइम कुछ मोटिवेशन हम लोगों को ज़रूरत होता है। आज हम लोग आपके सामने है वैसे ही मोटिवेशन लेके। जी हाँ, स्क्रीन से आपको पता चल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात ही कर रहे हैं हम लोग। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे आइंस्टाइन का मतलब तो है जीनियस, लेकिन जब पैदे हुए उनके चार साल तक, पैदाइश के बाद चार साल तक सही से बात नहीं कर पाए, 7 साल तक कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था, एंटी सोशल थे, लेजी थे। तो सभी कहते थे कि हाँ, ये लड़का शायद मेंटली टू सम एक्सटेंट हैंडीकैप्ड, बट वही मेंटल हैंडीकैप्ड एक दिन पूरा दुनिया को जीत लिया। तो चलिए उसी की कहानी आज सुनते हैं। उनके जन्म हुआ 1879 का 14th मई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो साइंस में आए, मम्मी वायलिनिस्ट थे। उनके एक अंकल थे जो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन को, और उनके गाइड भी थे। ये तो गए उनके जन्म या उनके पिता माता की कहानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग कोई ऐसे नहीं है जिसे उनके नाम से नाम पता नहीं है। तो एक ऐसे इंसान जो पूरा दुनिया को हिला दिए, उनके आविष्कार को देख के सारी दुनिया हिल गए, वही इंसान कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। बार बार उनको बहुत से स्कूल से निकल दिया जाता था, बहुत से स्कूल में उनको लिया नहीं गया, उनको लास्ट में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल कर दिया गया। उन्होंने अपना हाई स्कूल का टीचर से ग्रेजुएट हुए 1900, मतलब 1900 साल में। उसके बाद उन्होंने एक क्लार्क का नौकरी की। इस दौरान अपना डिवोशन, अपना पैशन वो समझ गए कि ही इज़ बोर्न टू एनहेंस द साइंस एंड ही इज़ इन बोर्न अ साइंटिस्ट। इन द ईयर ऑफ 1905 उन्होंने अपना पहला आविष्कार किया। आइंस्टाइन के नेम के साथ ही जैसे रिलेटिविटी, जैसे E=mc², ऐसे कई नाम कहीं उनके आविष्कार जुड़ा गया है। पूरा लाइफ को, हमारे सोच को बदल देने वाले आविष्कार उन्होंने किए हैं। आप कह सकते हैं कि अचानक मैं ये सारे बातें क्यों लेके बैठ गई। एक्चुअली जो इंसान बात नहीं कर पाते थे, जो इंसान बार बार फेल होते थे, वो एक दिन चमत्कार कर गए पूरे साइंस को, पूरा दुनिया को हिला के। तो मेरी कहना ये है, हम में भी है कुछ, शायद हम नहीं पहुँचे, शायद हम नहीं जानते, लेकिन अगर सही से देखें, सही से अपने दिमाग को यूटिलाइज करें, तो शायद हम भी क्रॉस कर सकते हैं कोई लिमिट्स को।
ये जब सोचती हूँ मैं कि एक इंसान इतने सफ़र करके भी, जब वो एकदम छोटे थे, उसके बाद भी वो बहुत भुलक्कड़ थे, बहुत से कहानियाँ आप ज़रूर सुने होंगे, मैं भी बताऊँगी वो सारे चीज़ें, आप देखेंगे कि कितने भुलक्कड़ इंसान थे। बार बार फेल होने से करीब जस्ट एक क्लार्क आफ्टर स्कूलिंग जॉब शुरू किए, मतलब बहुत ही जनरल कैटेगरी में, लेकिन उनके सोच, उनके रिसर्च उनको पहुंचा दिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे। एज अ साइंटिस्ट हम लोगों को कोई शक नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा है। जैसे बहुत सारे फिनोमेना, जैसे एनर्जी स्किम कर रहे हैं रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट से, ये सिम होके क्या हो रहा है, ये पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। इस कॉन्ट्राडिक्टरी पॉपुलर साइंटिफिक चीज़ को आविष्कार करने वाले और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन थे। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में एक पूरा चेहरा बदल दिए थे। अब एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि ये इंसान जो भुलक कर थे, जो अपने सारे चीज़ें याद नहीं कर पाते थे, जो पहले बात नहीं कर पाते थे, वो भी जीते रेस में, तो हम क्यों नहीं। उनके कुछ आविष्कार के बारे में मैं बताऊं, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है इतने सारे चीज़ों के, सीमित में बताती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कंसिस्ट कर रहे हैं कोई भी वेव में, उसमें एनर्जी पार्टिकल भी रहते हैं, मतलब सिर्फ पार्टिकल या सिर्फ मोशन नहीं, बोथ वी नीड, देन ओनली वी कैन एबल टू स्टैंड। इसके आगे उनके बिलीव्स ऑफ द टाइम था द क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ही अज्यूम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपर कंसिडर्ड प्रोपागेटिंग वेव्स अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यही से शुरू होता है, यू कैन एबल टू सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि एक हेलिक्स तैयार होते हैं जिससे पूरा दुनिया हिलते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये जो बातें हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो भी है उसको रेडिएटिंग। अब रिलेटिविटी, उन्होंने कहा था अगर कभी इलेक्ट्रॉन के स्पीड लाइट के स्पीड को छुआ या उसे क्रॉस कर गए, तो उस दिन मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वो पहुंच जाएगा स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार। सो आप समझ सकते हैं कि एक रिलेटिविटी, नॉट ओनली दैट द ट्रैजेक्टरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रैंडम कॉलिशंस, ये सारे चीज़ें आविष्कार करने वाले और कोई नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक बात नहीं कर पाए थे, सभी ने सोच गए थे कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। काश हम लोग भी ऐसे ही मेंटली हैंडीकैप्ड होते, इतने बड़े साइंटिस्ट हो पाते, लेकिन जो भी है। सो वी कैन, हमारे ये आज के स्टोरी के एक ही मतलब थे कि अगर एक इंसान इतना पीछे रह से भी इतना आगे निकल जा सकते हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब उनके लास्ट लेटर लाइफ में इक्लिप्स प्रेडिक्शंस जो कंफर्म हो गए 1919 में, एंड उनको वर्ल्ड वाइड स्टार हो गए।
जो कंट्राडिक्टरी आविष्कार थे वो धीरे धीरे एक चीज़ से लेके वो पूरे दुनिया में फेमस हो गए. एंड आफ्टर दैट इन द ईयर ऑफ 1955 ही डाइज. सो यही सारी चीज़ें उन जब मर गए उनके पीछे छोड़ गए बहुत सारे आविष्कार, उसके साथ बहुत सारे और भी चीज़ें जैसे उनके स्टूडेंट्स, उनके रिसर्च एंड सब कुछ. शायद आपको ये वीडियो कुछ मोटिवेट कर पाए. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस.